हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडर में कप कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपका ऊपर के साइड का व्यू तैयार हो गया है। नीचे की व्यू तैयार करने के लिए उसी तरह से कीजिए जैसा कि आपने पहले किए थे। सबसे पहले नीचे वाले कॉर्नर को सिलेक्ट कीजिए और फिर उसे एस प्रेस कीजिए और फिर धीरे धीरे बड़ा कीजिए, फिर ई प्रेस कीजिए और फिर एस प्रेस कीजिए। इसी तरह से एक्सट्रूड करके पूरा नीचे का हिस्सा तैयार कर लीजिए। और फिर दोस्तों, नीचे वाले साइड को मिलाने के लिए तो दोस्तों, अब आपको ऊपर के साइड में खाली सा दिख रहा होगा। इसको पूरा करने के लिए सभी कॉर्नर को सिलेक्ट कीजिए। कॉर्नर को सिलेक्ट करने के लिए आपके स्क्रीन पर जैसा दिखाया जा रहा है वैसा प्रेस कीजिए और फिर दोस्तों सभी को सिलेक्ट कर लीजिए।
सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ई प्रेस कीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए जैसा कि आपको दिख रहा है। और फिर दोस्तों अपने कीपैड पर एस प्रेस कीजिए और इसे अंदर की तरह मोड़ लीजिए। तो दोस्तों आपका कप तैयार हो गया है पूरी तरह से। इसको पेंट करने के लिए एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जाइए और फिर सबसे पहले कप को स्मूथ कर दीजिए। स्मूथ करने के लिए अपने माउस के राइट साइड में प्रेस कीजिए और स्मूथ पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों इस कप को पेंट करने की बारी है। पेंट करने के लिए सबसे पहले आप मटेरियल टैब में जाइए और फिर सरफेस को डिफ्यूज कर दीजिए और फिर कलर में आप जो चाहें वो कलर चुन लीजिए। ब्लेंडर 3D एनिमेशन हिंदी में सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।